मोदी तो कुछ करने वाला है नहीं। मोदी का तो भरोसा छोड़ो, मोदी का नाम ही छोड़ो, मोदी का भरोसा ही छोड़ो। जो काम करने वाला अच्छा उसको तो मोदी को जेल में बिठाया। अध्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुए, ठीक है जी। मोदी जी ने जो किया है पहले प्रमाण चाहिए, प्रमाण देश को प्रमाण चाहिए, देश को प्रमाण चाहिए, तुम्हें देश को प्रमाण चाहिए, हाँ जनता को प्रमाण चाहिए, देश को प्रमाण चाहिए। जो राशन फ्री का खा रही थी, जो भाषा बंद कर राशन, देश को हर चीज का प्रमाण चाहिए, देश बातचीत को चल आगे चल चल बीमारी चल बीमारी चल बीमारी गंदी औरत है ये, क्या जाने हराम का जब इन लोगों को मिलता है पूरी गंदी। मोदी की कोई गारंटी नहीं, एक भी गारंटी नहीं। तुमने गारंटी लगा, हमको नहीं लगी गारंटी। हम 400 पार 400 पार क्यों 400 पार नहीं आई? वो जनता को बहलाया था, फुलसाया था, जनता को बेफूक बनाया था, तो उसको मिल गया उसका हिसाब। अखिलेश ने दिया देश का हिसाब, योगी ने दे दिया। गुजरात को कई करोड़ बंदा मरवा दिया मोदी ने, कई करोड़। कोर्ट भी इसका है, जज भी इसका, वकील भी उसका, सभाधर भी इसकी, सब कुछ उसका। तो आप प्रधानमंत्री होकर सब आपका है, तो आप कैसे, आपके ऊपर केस लगेगा? कैसे केस लगेगा आपके ऊपर? कोई केस करने वाला अमेरिका वाला आ जाए, कोई विदेश वाला आ जाए, कोई चीन वाला आ जाए, कोई बाहर के देश के विदेश के मंत्री आ जाए, कोई इसकी हमत लेके कि भाई मोदी ने काम करा गलत, तो केस आ रहे। पर मोदी खुद करा था, मोदी खुद केस जीता, जनता पे तो सबूत मिल गया। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से संसद में बयान दिया उसके बाद से ही लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया। महिलाओं की क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। क्या राहुल गांधी को जानती हैं? उसके पूरे परिवार को जानते हैं। ठीक है, देश में कैसा काम हुआ है? देश में कौन काम कर रहा है? देश में काम कौन करेगा? मोदी तो कुछ करने वाला है नहीं। मोदी का तो भरोसा छोड़ो, मोदी का नाम ही छोड़ो, मोदी का भरोसा ही छोड़ो। जो काम करने वाला अच्छा उसको तो मोदी को जेल में बिठाया। किसको मोदी जेल में बिठाया? मोदी ने केजरीवाल को जेल में बिठाया। जो अच्छा काम करता, जो अच्छा बच्चा पढ़ाता था उसको जेल में बिठाया। जो बच्चा अच्छा पढ़ाता था मनीष सिसोदिया को, उसको जेल में बंद कर। जो केजरीवाल अच्छा काम करता उसको मोदी को जेल में बिठा। क्यों? झूठी झूठी कहानी बनाई, कभी 100 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 200 करोड़। तो ये करोड़ गिनती करके जनता को कितना पैसा दिया? अच्छा। मोदी ने अपना घर भरा अपने पंडितों का, अपने बनिया को। अच्छा। अपने अडानी अंबानी को। अच्छा। अपने बिहारी को घर भरा, नौकरी दी बिहारियों को, काम धंधा दिया बिहारी को। दिल्ली वाले को क्या दिया? अच्छा। दिल्ली वाले को बता दे क्या काम दिया दिल्ली वाले को? ये गंध फैला रखी रोड रोड के पर, पटरी पटरी पर बिहारियों ने। हाँ, 20 रुपए किलो सब्जी लाते, 20 रुपए किलो सब्जी लाते, 100 रुपए किलो बेचता। सब्जी गई कहाँ? मेरी सब्जी दिल्ली की गई कहाँ? सब्जी मंडी की सब्जी कहाँ गई? मोदी प्याज भी सप्लाई कर रहा, ब्लैकमेल कर रहा, सारा सामान ब्लैकमेल कर रहा, और जनता को दिल्ली को भूखे मार रहा। काम धंधे रोजी रोजगार सब खींच लिया मोदी ने। फिर तो जी ने काम करो, मोदी कौन सा काम नहीं करा? कोई गारंटी नहीं मोदी की, कोई गारंटी नहीं, एक भी गारंटी नहीं। तुमने गारंटी लगा, हमको नहीं लगी गारंटी। आदि जी कह रहे कुछ भी काम नहीं हुआ, नहीं सबका काम हुआ देश में। मोदी जी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है जी। क्या उन्होंने अच्छा किया दिखा दो, उसी सर्वे दिखा दो कितना काम अच्छा करा। सर्वे दिखा दो, इसकी सर्वे दिखा दो कितना अच्छा काम करा। इसकी सर्वे दो, 140 करोड़ जनता का सर्वे, 140 करोड़ जनता की सर्वे दिखा दो कितना काम करा। सर्वे का इनका बात सुन, यहाँ क्या अच्छा काम हुआ? जो बोले तो किसानों के लिए भी कर रहा है, अभी बहुत अच्छा कर रहा है, पैसे डाल रहे हैं, ठीक है। सेना को तो सबको करना पड़ेगा, अभी बैठे के तो आपको भी करना पड़ेगा। सेना हमारे देश के बॉर्डर के मालिक है, हिंदुस्तान के मालिक है सेना और किसान। किसान अन्नदाता और फौजी हिंदुस्तान के बॉर्डर का मालिक है। ये प्रधानमंत्री और वजीरों को कोई नहीं है, असली मालिक तो जिसको कुछ नहीं पता, जिसको तो कुछ नहीं पता। मोदी को तो संन्यास लेना ना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री राहुल को बनना चाहिए। राहुल जी को मोदी ने क्या करा? कुछ नहीं करा, सब गरीबों को मारा, किसान आंदोलन हुआ, लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी में सबको, देश को तो भिखारी बना दिया। क्या बचा देश में? कुछ नहीं बचा, तो सब तो लुटेगा भारत में, क्या बचा? आज जाओगे लाल किले के अंदर तो 80 रुपए की टिकट है। गरीब लोग कहाँ से आते हैं ट्रेनों में पैसा खर्च करके? ट्रेनों में चले आज अलीगढ़ भी, दिल्ली आओगे, बम्बई आओगे, आगरा आओगे, 100 रुपए 150 रुपए की टिकट, वो 30-40 रुपए की टिकट होनी चाहिए। 80 रुपए की लाल किले की टिकट है, ये टिकट 20 रुपए की होनी चाहिए। ये गलत होता है। आज दिल्ली में दबा से केजरीवाल को बंद कर दिया, ये ना इंसाफी जब दबा डाला जाता है गरीबों पे, इंसाफियों पे, जिस बहुत गलत दबा है। अच्छा, आप लोग भी मान रहे मोदी जी ने काम किया है? अंगल जी, काम कुछ हुआ है देश में? नहीं, हमारे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल ठीक है, ममता बनर्जी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है। अच्छा। बस मैं यही बोलूं मोदी जी के
राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के प्रति बयान दिया उस पे क्या कहेंगे? आपको सबूत मिल गया अयोध्या पे? अयोध्या पे तो सबूत मिल गया। आपसे पूछ रहे कि मोदी जी ने काम किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया, कहने की जरूरत नहीं है, वो सबको दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुए, ठीक है जी। मोदी जी ने जो किया है पहले प्रमाण चाहिए, देश को प्रमाण चाहिए, देश को प्रमाण चाहिए, तुम्हें देश को प्रमाण चाहिए, हाँ जनता को प्रमाण चाहिए, देश को प्रमाण चाहिए। जो राशन फ्री का खा रही थी, जो भाषण मत कर, राशन देश को हर चीज का प्रमाण चाहिए, देश हर चीज का, चल आगे चल चल बीमारी, ये क्या जाने हराम का जब इन लोगों को मिलता है, पूरी गंदी तेरी वीजा भी, पूरी गंदी तेरी वीजा भी गंदी। मैं ऐसे बाइट नहीं दे पाऊंगी, इतनी गंदे लोगों के बीच इनको जब हराम, सारी गंदी, अच्छा ठीक है, सारी गंदी सब मोहर, सब मोहर, सब ना चले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या, एक सेकंड, हल्ला नहीं, क्या ऐसा, अरे बोलने से क्या ऐसा था? हाँ, ऐसी औरतों को चाहिए फ्री का, हराम का, जो आज तक का जो कांग्रेस सरकार से हराम का मिल रहा था ना, ये लोग के जनता का वोट लेके कराए। मोदी ने तो आज रात 12 बजे किसान आंदोलन लगाया, जो गलत करा है। मेरा कहने का मतलब है गरीबों को सबको मारा, अमीर कौन लाइन में लगाए, सब भारत में कहीं भी चले ऑल इंडिया परमिट में जाओ, आज गरीबों के लिए ठीक है। आपसे कौन है उसको पूछो, तू कौन है, क्रिश्चियन है क्या? अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी जी ने क्या ऐसा अच्छा काम किया है जो लोगों को, महिला आप भी हैं, ये भी महिला है, क्या ऐसा? मैं ऐसी महिलाओं के बीच बात नहीं करना चाहती, सॉरी सॉरी। बीजेपी वाले से, बीजेपी वाले से क्या बात है, सारे झूठे बेईमान, ठग बाज, पॉलिसी बाज, सब लुच्चे बदमाश, सब कोई काम करे, एक भी काम करे। सवाल मैं कर सकता हूँ, मोदी जी ने क्या, बताओ क्या अच्छा काम करा? मोदी जी ने ये अच्छा काम करा है, जितनी भी गाय थी किसानों के खेत में भर दी सब, और उनका नुकसान कर दिया। हमको अगर काम नहीं होता तो सरकार कैसे बनती? कैसी, महिलाओं के लिए काम नहीं किया उन्होंने? अरे कुछ भी नहीं काम करा, ये चोरी से वो मशीन चोरी से, इसलिए वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना। कौन सा वोट चोरी करी? दिल्ली की, दिल्ली की 5 सीट 4 सीट की चोरी करी, केजरीवाल की, राहुल गांधी की, मोदी ने। उसको SDM को जाके पूछ लो, उसके सर्वे दे दे, SDM मेरी भगत है मोदी के साथ। हाँ SDM हमेशा कहते 400 पार, 400 पार, क्यों 400 पार नहीं आई? वो जनता को बहलाया था, फुलसाया था, जनता को बेफूक बनाया था, तो उसको मिल गया उसका हिसाब, अखिलेश ने दे दिया इसका हिसाब, योगी उसने दे दिया, दे दिया। ठीक है, एक सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं के लिए मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहा है, उज्ज्वला योजना, किसको उज्ज्वला योजना से आपको गैस सिलेंडर मिला है? अरे मेरे घर में 2 बेटी है, मैं हूँ, एक सिलेंडर नहीं मिला भाई। अच्छा। ये झूठी झूठी बातों करके पंडितों को दे रहा, बिहारी को दे रहा, और अपने बीजेपी वालों को दे रहा। अच्छा। इसको मोदी को कह दे, पूरी हमको सर्वे दे दे कि कितनी करोड़ महिलाओं को दिया। अच्छा। मत झूठ, ज्यादा झूठ मत बोले, कि झूठ बोलने से फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। झूठ ज्यादा फैलाने से फायदा नहीं मिलता, बड़ी बड़ी बातों मत कर, बड़ी बड़ी बातों गुजराती के आगे मत कर, हम तेरे को कह रहे बड़ी बातों अच्छी नहीं लगती, तू हरिनगर का घंटा घर है ना, तो बड़ी बातों अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो बीच में बैठा इस तरफ नायडू, इस तरफ योगी, क्या ये नीतीश, और बीच में बैठा, इसलिए हरिनगर का घंटा बन गया मोदी बीच का। हाँ फिर क्या करेगा मोदी, फिर क्या, फिर कहाँ से देश चलेगा, देश कैसे चलेगा, अरे देश कैसे चलेगा, देश तो देश देश कौन चलेगा, प्रधानमंत्री कौन है, कौन है, कौन है मोदी जी तो है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री कौन है, नायडू बन गया, ये नीतीश बना, मोदी तो खाली कुछ भी झूठा बन के बना, झूठी सटगट करके बना, इसको झूठा बोलना होता उसका कोई काम नहीं आता, इसको हमेशा बचपन से झूठे बोला, उन्होंने से झूठ बोला, बचपन से झूठी कहानी बनाता, झूठे बोला उसका काम ही पैसा है, इसका इसका पैसा है। गुजरात में कौन सा काम अच्छा करा, हिंदू मुसलमान को सबको लड़वा के मरवा के दिल्ली आया, जो उसको हिंदू मुसलमान करने वाला कौन था, आरएस वाला, आरएस वाले थे, और आरएस के साथ एक बन्या और था, वो पंडित पो बन्या, उसका नाम मैं भूल गया, थोड़ा ध्यान से बाहर निकल गया। उस बंदा हंसा करा के सबको घर घर राशन दे देता, और मेरे गुजराती को कई करोड़ बंदा मरवा दिया मोदी ने, कई करोड़। मोदी जी तो कोर्ट से बरी हो गए हैं ना, आप उन पे करिए, उन्होंने क्यों, कोर्ट भी इसका है, जज भी इसका, वकील भी उसका, सभाधन भी इसकी, सब कुछ उसका, तो आप प्रधानमंत्री होकर सब आपका है, तो आप कैसे, आपके पर केस लगेगा, कैसे केस लगेगा आपके पर, कोई केस करने वाला अमेरिका वाले आ जाए,
कोई विदेश वाला आ जाए, कोई चीन वाला आ जाए, कोई बाहर के देश के विदेश के मंत्री आ जाए, कोई इसकी हमात लेके कि भाई मोदी ने काम करा गलत, तो केस हारे। पर मोदी खुद कर रहा था, मोदी खुद केस जीता, मोदी खुद कर रहा था, मोदी केस जीता, क्यों कर सके? इसकी पकड़ में सब कुछ है, इसकी पकड़ में क्या नहीं है बता दो हमको। नहीं, उन्होंने काम तो किया है ना। किसका? मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। हमको नहीं पता, पूछ लीजिए, काम का पता नहीं। छोटा मोटा काम तो हर एक राजा करता, जवाहरलाल इतना सारा काम। अच्छा ये बात बताइए कि आप उसका तो नाम नहीं ले रहे, इसका तो नाम नहीं ले रहे। मोदी जी ने काम किया है, जवाहरलाल ने इतना हिंदुस्तान बसा दिया और बना दिया, उसका तो तुम नाम नहीं ले रहे। इंदिरा गांधी ने इतना सारा अच्छा काम करा, उसने काम किया है देश में, मोदी जी ने काम किया। आपसे बिल्कुल किया जी, बिल्कुल किया जी।